नमस्कार, भोजपुर दर्शन में आपका स्वागत है और मैं हूं राजेश तिवारी। संयुक्त सम्मान समारोह का आयोजन वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय नूतन परिसर में किया गया, जहां राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय कैडेट कोर और क्रीड़ा परिषद के सदस्यों के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें पथ निर्माण मंत्री ने इस कार्यक्रम का दीप जलाकर उद्घाटन किया। उद्घाटन के उपरांत सभी सदस्यों को सम्मानित भी किया। राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय कैडेट कोर और क्रीड़ा परिषद के सदस्यों को पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने सम्मानित किया। सभा को संबोधित करते हुए पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने कहा कि जो बिहार वासियों की जो उम्मीद बिहार सरकार से है, उसे बिहार सरकार पूरा करेगी। साथ ही आरा मोहनिया NH-84 को दिसंबर तक अवश्य पूरा कर ली जाएगी। पथ निर्माण मंत्री ने कहा कि बिहार की प्रत्येक सड़क निर्माण के लिए बिहार सरकार वचनबद्ध है और आगामी 2019 में मोदी की सरकार पुनः बनेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कर्नाटक में जो भाजपा ने अपना झंडा लहराया है, उम्मीद है कि कर्नाटक में भी भाजपा की सरकार बन जाएगी। जब 2005 में पहली बार प्रधानमंत्री बना तो मैंने सहारा सासाराम रोड के निर्माण का काम किया, लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि थोड़ा और चौड़ा कर दें, तो हमने तय किया है कि सासाराम आरा मार्ग को सासाराम से पटना से जोड़ेंगे, उसको फोर लेन में तब्दील करेंगे और आरा के कनेक्शन से नया बाईपास बना करके उसको पटना में मिला देने का काम किया। पटना आरा बक्सर फोर लेन बनने का काम प्रारंभ हो गया। मैं पटवी 14 तारीख को गया था, 14 तारीख को मैं गया था वहां बक्सर, और बक्सर भोजपुर के भी निर्माण का काम किया है। एक और वीर कुंवर सिंह की धरती को मैंने एक और प्रश्न जोड़ने का काम किया। अभी जब वीर कुंवर सिंह के 60वीं समारोह जो मनाया जा रहा था, तो आपने देखा था बड़ी संख्या में लोगों ने नदी से जल उठा करके विपक्ष की जगह पुजाने का काम किया और मैं सड़क को 10 मीटर चौड़ा करने का तय किया। घाट किनारे से वो सड़क आएगी बिहिया, बिहिया से जगदीशपुर, जगदीशपुर से पीरो और पीरो से जो बीटा है वहां बीटा मैंने कोयटा वाला बीटा नहीं उधर वाला जो बीटा है वहां तक एक पूरी सड़क 10 मीटर चौड़ा कराने का काम करेंगे, ताकि पूरे आरा के बीच भी एक नई सड़क का निर्माण, बेहतर सड़क का निर्माण हो सके। इसका शुरुआत भी अभी इसी साल प्रदान करने वाले हैं। मित्रों, मैंने इन बातों की चर्चा केवल आपके सामने इसलिए कि हम छोटे से प्रयास से इतना बड़ा प्रोजेक्ट ला सकते हैं। कर दिया है जो कि बिहार स्टेट एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड से जल्द अज जल्द उस पर काम शुरू होगा। उसके अलावा आप लोगों की सहयोग से और भी चीजें बन रही है, ऑडिटोरियम बन रहा है, कॉन्फ्रेंस हॉल बन रहा है, सीमेंट हॉल बन रहा है, आउटडोर स्टेडियम होना है, इंडोर स्टेडियम बन रहा है। और यहाँ जैसा कि आपने देखा कि अप्रोच रोड नहीं है, तो रोड किसी भी संसाधन से हो इसको हम लोग को पूरा करना है। और एक और वजह जो कि हर्ष का विषय है कि ये दोनों परिसर जो बना, दोनों जो हॉल्स बने, दोनों जो बिल्डिंग्स बनी, इसको फर्निश किया गया है जैसा कि आप बेस्ट देख रहे हैं। और इस हॉल में अभी तक हम लोग ने एग्जाम नहीं कंडक्ट कराया, ये पहला कार्यक्रम, ये नॉर्मल कार्यक्रम आज के दिन हो रहा है। मीटिंग होती है उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है उसकी कैपेसिटी, इसलिए आज यहाँ से भी कम है। तो ये सारी चीजों से हम लोग बहुत खुश हैं और हम लोग चाहते हैं, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे पदाधिकारी हो, चाहे शिक्षक हो, ये सभी लोग मिलजुल के इस प्रयास में लगे हुए हैं कि विश्वविद्यालय को प्रगति के रास्ते पर आगे हम लोग ले जाए। और ये पूरी जिम्मेदारी नहीं ले सकता है, किसी एक व्यक्ति से नहीं हो सकता है। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को इतनी अवधि ला सकते हैं, लेकिन नागरिक को उसमें कॉपरेट करना ज्ञान का जीवन तक ही नहीं है, केवल के झाड़ू के करके आप पूरा रोड के किनारे के लिए अगर आप स्वच्छ।
सर ठीक है ओके हेलो हेलो पीछे